हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोपिस यूरिया कॉपर टू इज। तो हमें इसमें इसका फॉर्मूला बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आयुपेक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमें जो नेम गिवन है वो क्या है? इट इज डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर टू। तो ये हमें फॉर्मूला गिवन है। अब अगर इसको हम ये हमें नेम गिवन है, इसका हमें फॉर्मूला निकालना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इट हैव डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब क्या हो गया? वी हैव टू क्लोरो लिगेंड्स विच इज सीएल। तो हमारे पास दो सीएल लिगेंड है। देन वी हैव बिस यूरिया। बिस हम तब यूज करते हैं, बिस हम कब यूज करते हैं? वी यूज बिस व्हेन द लिगेंड इज बाई और ट्राइडेंटेट। तो व्हेन द लिगेंड इज बाई डेंटेट वी यूज बिस ट्रिस एंड दैट। तो बिस का मतलब होता है टू। तो बिस का मतलब क्या होता है? टू। और बाई डेंटेट्स क्या होते हैं? बाई डेंटेट्स वो लिगेंड होते हैं, लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन वन बाइंडिंग साइट। तो वो लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट्स होती है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिस ट्रेस। तो जो यूरिया है, यूरिया के पास कितनी बाइंडिंग साइट्स होती है? इसके पास दो बाइंडिंग साइट्स होती है। तो ये क्या है? एक बाइडेंटेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें गिवन है कि बिस यूरिया का मतलब है कि हमारे पास दो क्या है? यूरिया मोलिक्यूल्स। यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है NH2, सी डबल बॉन्ड O, NH2। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। और अगर क्योंकि ये टू है तो इसका ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? टू। यहाँ पे भी आएगा टू क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। तो वी विल हैव टू, और ये बिस है तो इसके लिए ओवरऑल हमारे पास दो हो गए। और सेकेंडली जो हमें कॉपर गिवन है वो कौन सी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गिवन है? दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। तो मतलब कॉपर क्या है? कॉपर टू पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? वी विल हैव द फॉर्मूला लाइक CuCl2, क्योंकि यूरिया जो होता है वो क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो होता है। तो वी विल हैव इट लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने क्लोरीन एटम है? वी हैव टू क्लोरीन एटम। वी हैव बिस, बिस मीन्स टू, यूरिया, दिस इज कंप्लीट यूरिया। और यहाँ पे हमारे पास है कॉपर, और कॉपर कौन सी स्टेट में है? इट इज इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी हैव द करेक्ट ऑप्शन एज पी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।